शहर के चलौद में एक माह से लाइट ना आने के चलते क्षेत्रवासियों ने किया चाबी घर पर चक्का जाम। पुलिस ने संभाला मोर्चा और अधिकारियों ने दिए आज शाम 4 बजे तक के लाइट आने का आश्वासन। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि अगर 4 बजे तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम धरने पर बैठेंगे। हो गया हमारा ट्रांसफार्मर भूखा पड़ा है, इनके यही समस्या लेके आए थे। 1 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। तो इसकी शिकायत आपने पहले नहीं की थी? हमने पहले टोल फ्री नंबर पे कई बार कर चुकी है और इनके विभाग के द्वारा कर्मचारी द्वारा ना वहाँ पे चेक किया जाता, कंप्लेन निरस्त करा दी जाती है। हमारी कोई वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है हमारे, जिस जगह लाइट नहीं आ रही कोई चेक करने नहीं पूछता। लाइट नहीं आ रही है 1 महीने से, हमारी लाइट नहीं आ रही है। बिल लगातार भर रहे हैं? बिल लगातार भर रहे हैं, सबके बिल पेड है, सब बिल भर रहे हैं हमारे वहाँ। हीटर जला जाते हैं सर, जिसका हीटर जला उसका चालान किया जाए ना। लोगों पर कुछ लोग हैं ऐसे जो हीटर जला रहे हैं, उन पर हम तो कहते हैं ना आप कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं करते कार्रवाई। महीने भर से लाइट तो है उनकी, अभी ट्रांसफार्मर चेंज किया था, हुआ क्या वहाँ लोड बहुत अधिक है, हर घर में हीटर जल रहा है, इस वजह से ट्रांसफार्मर ज़्यादा चल नहीं पाता है जी। ठीक है, अब फिलहाल में अवेलेबल नहीं है 200 का ट्रांसफार्मर, लेकिन मंगाया गया है गुना से, 2-3 घंटे में इनका ट्रांसफार्मर रखवा दिया है। नहीं, डीपी जो फूकी थी ना वो बिना उसके कनेक्शन ही नहीं करते, और उसके पहले वो ऑयल उसका बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। आपने बताया कि ओवरलोड है वहाँ पर, ओवरलोड किस कारण से है? वहाँ लोग हीटर चलाते हैं, घर घर में 4-4 हीटर लगे हुए हैं, अलग से 60 डाल रखे हैं।